अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो सकती है, आपको क्या लगता है? जितने पेचीदा मामलात हैं दिखने में तो नहीं लगता कि दोस्ती हो सकती है, सकता है बिकॉज अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम लोग भी किसी के लिए अब हाथ फैला के तो उनसे मांग नहीं सकते, हमारा अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों पाकिस्तान के एक एंकर ने जो है ना पाकिस्तानी लोगों से पूछा कि आने वाले समय में क्या इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है, तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में जो ये सवाल पूछने के बाद पाकिस्तानी लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। हम ना मुझे ये बताओ कि आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो सकती है? यस एग्जैक्टली हो सकती है अगर हम उनके कल्चर को ऑप्ट करें, क्योंकि हमारे इख्तलाफात उनके साथ सिर्फ और सिर्फ कल्चरल और रिलीजन बेसिस पे हैं। अगर हम उनके साथ लाइक उन कल्चर में उनकी सबसे मेन थिंग मुझे जो पसंद है उनका इखलाक है, उनका इखलाक बहुत बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगी कि अगर हम उनके जैसा अपना इखलाक ऑप्ट कर लें हमारा लिविंग स्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ऑप्ट करना अगर हम उनके कल्चर को चाहें तो मैं कहूँगी कि रंगोली इज़ द फेवरेट कल्चर जो कि रंगोली इज़ द फेवरेट कल्चर जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे कॉलेज में भी हुआ था तो हम लोगों ने एक दूसरे के फेस पे कलर लगाए थे और इससे हमारे बीच प्यार काफ़ी आता है। तो हम रंगोली नहीं होली कहते हैं, जो रंगों का त्यौहार है उसे होली कहते हैं, इसे बहुत धूमधाम से भारत में मनाया जाता है जो इस महीने के 18 तारीख को है। हम उनके लाइक उनके साथ हम अच्छी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ उनके कल्चर को ऑप्ट करके बना सकते हैं, बस रंगोली इज द फेवरेट कल्चर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती करेगा कभी? एग्जैक्टली हो सकती है अगर हम उनके कल्चर को ऑप्ट करें या वो हमारे कल्चर को ऑप्ट करें, इसके लिए हमें काफ़ी पोटेंशियल चाहिए होगा। अगर हमारे बीच पोटेंशियल होगा हम एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो सकती है, आपको क्या लगता है? जितने पेचीदा मामलात हैं दिखने में तो नहीं लगता कि दोस्ती हो सकती है, लेकिन अगर अच्छे लीडर्स आते हैं और वो उनके दरमियान निगोशिएशंस करते हैं तो माइट भी ये पॉसिबल हो सकता है। बट कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे दरमियान रवाबित कायम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें, क्योंकि आज PSL आजकल अरूज पे है, तो पाकिस्तान भी चाहता है कि वो अपने हरीफ मुल्क के साथ क्रिकेट भी खेले, क्योंकि हमारे दरमियान इतनी नफरतें आ गई हैं कि हम एक दूसरे के साथ अब क्रिकेट खेलना भी पसंद नहीं कर सकते। तो हमें उन नफरतों को कम करना है, और वो सिर्फ नफरतें पॉलिटिशियंस ही कम नहीं कर सकते, बींग ह्यूमन बींग्स हम भी उन नफरतों को कम कर सकते हैं। सो हर इंडिविजुअल अपने बिहाफ पे अपना रोल प्ले करेगा तो माइट बी होप फॉर द बेस्ट, अच्छे दिन भी आ सकते हैं हम दोनों। अच्छा आप मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती कर लेगा इजीली? चूंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी वीक है और पाकिस्तान इज स्टिल एन डिपेंडेंट कंट्री, सो इट वुड बी माइट डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू अकोमोडेट, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती, इंडिया भी अकोमोडेट करेगा तो पाकिस्तान अकोमोडेट कर सकता है, बिकॉज अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम लोग भी किसी के लिए अब हाथ फैला के तो उनसे मांग नहीं सकते, हमारा अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। अच्छा मुझे ये बताइएगा निमरा कि आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है अगर जो दोनों ममालिक के दरमियान क्लैशेज हैं अगर उनको सॉल्व किया जाए, एक जगह बैठ कर हम क्लैशेस को डिस्कस करें, उसके सोल्यूशन निकाले, तो ऑब्वियसली बात है क्या क्लियर नहीं हो सकता। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया को कभी कबूल करेगा इजिली? देखिए थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ टाइम जरूर लगेगा। देखिए एकदम तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती ना, क्लैशेस को जब तक हम क्लियर नहीं करते, क्लैशेस क्लियर करने के बाद भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लेंगे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट हो जाए शायद। आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसे मतलब थोड़ा सा ग्रो अपने कंट्री को कर चुका हुआ है और पाकिस्तान थोड़ा सा लो लेवल पर है, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान आपस में जब एक ममालिक अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान भी इंडिया की तरह तरक्की करेगा, इंडिया और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी? देखिए एक मुल्क तो दोनों नहीं बन सकते ना, अभी आपने बोला कि एक मुल्क बन जाए, एक मुल्क तो कभी नहीं बन सकते ना, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, इंडिया अलग और पाकिस्तान, फ्रेंडशिप हो जाए, फ्रेंडशिप अगर हो जाए तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमें इंडिया से भी चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए, बल्कि अभी हो भी नहीं है। अगर हम ज्वेलरी की बात करें, अगर हम मेकअप की बात करें, तो बहुत सी ज्वेलरी और मेकअप जो है वो हम इंडिया से इम्पोर्ट करते भी हैं, लेकिन अगर फ्रेंडशिप हो जाती है तो मे बी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम कर लें उनके साथ, अब दुश्मनी को साइड पे रखते हुए, पिछले इख्तलाफात भुलाते हुए हमें करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स के लिए उनसे मदद लेनी चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट वो हम में करें और कुछ इन्वेस्टमेंट हम उनमें करें, इसी तरह से चीज़ें रिजॉल्व होती हैं।
ओके अच्छा मुझे आप ये बताइएगा क्या इंडिया अपने कंट्री को मजीद ग्रो कर सकता है? ऑब्वियसली जैसे कि आपने देखा है कि हम दोनों सब कॉन्टिनेंट ही था ना, जब पार्टीशन हुई तो फिर इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, हम लोग आज़ाद एक साथ हुए थे और उन्होंने इतनी तरक्की की है कि अब उनमें उनके जो लोग हैं इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके एज अ सीईओ काम करें। अगर आप गूगल को ही देख लें कि गूगल का सीईओ जो है वो भी एक इंडियन है, और अगर एक है इंटरनेशनल एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है शैनल, वहाँ पर भी इंडियन जो है वो एज अ सीईओ काम कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो जो बड़े बड़े ममालिक हैं तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो भी इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करें। ऑब्वियसली बात है इंडिया आगे से उनको कुछ ऑफर कर रहा है तो वो लोग कोलैबोरेशन करें। अगर हम सुपर पावर की बात करें यूएस की, तो यूएस के साथ भी कुछ मुआहिदा हुआ है। ठीक है, और अगर हम चाइना को देख लें तो इंडिया ने पिछले साल अगर हम दिवाली की बात करें, इंडिया ने कट ऑफ कर दिया था चाइना से जो भी सारी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी दिवाली की चीज़ों की, वो उन्होंने खुद अपने मुल्क में की थी। इससे पहले वो सब चाइना से करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब उन्होंने मेक इन इंडिया की पॉलिसी एक बनाई है जिसके तहत जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अपनी कंट्री में हो रही है। मेड इन इंडिया के टैग्स जो है वो उनके प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, उनके लोग जो है वो अपनी ही मुल्क की बनाई हुई चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे उनकी ही रेपुटेशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो ही बढ़ रही है और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो आप देख लें अगर उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग तो उसी कंट्री की स्ट्रॉन्ग होती है, एक्सपोर्ट्स जो है उसी कंट्री की स्ट्रॉन्ग होती हैं जिनकी अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उनके अपने हो, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी हो रही है। जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी इम्पोर्ट्स कम होंगी तभी मुल्क तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेब चौधरी नाम है मेरा। सुहेब आप मुझे ये बताइएगा क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो सकती है? लगता है। कैसे लगता है? मेरी बात तो पूरी सुन लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लगता है आपका ये क्वेश्चन है, तो कहते हैं कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा, तो अगर इस बात को फॉलो किया जाए तो फिर लगता है कि हो सकती है इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया के साथ इजीली दोस्ती कर लेगा? इजीली तो नहीं कर लेगा, लेकिन ये है कि अगर हम लोगों में, ये देखें मैं इंडियन ऑडियंस भी देख रही है, पाकिस्तानी ऑडियंस भी देख रही होगी, मैं ये कहता हूँ यकीन मानने कि अगर हम लोग आपस में, जो हम लोग हैं अवाम हैं, आपस में अगर अच्छा इन्वायरमेंट बना लें, जैसे कि हमारे जो पंजाबी हैं और उनके पंजाबी हैं, उनके अंदर इतना इतफाक है कि इंडिया बाकी इंडिया को भी इस चीज़ की एक मिसाल देता है इंडिया के, बाकी उन दोनों पंजाबों में ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान में अगर इतफाक हो जाए ऑडियंस में, तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी, दोनों ममालिक की हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि वो आपस में अच्छे मामलात रखे। अच्छा मुझे ये बताइएगा क्या आपको लगता है कि इंडिया के साथ दोस्ती करके अगर दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान भी स्टेबल हो सकता है, अपनी कंट्री को कर सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए कि देखें स्टेबल करने का इन्हिसार तो अपने मुल्क के ऊपर ही होता है खुद, यानी कि ये नहीं है कि आप इंडिया से दोस्ती कर लें और स्टेबल हो जाएंगे, पाकिस्तान चाइना जैसे चाइना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पाकिस्तान को ना, कि ऐसे नहीं इंडिया हमें हेल्प करे ना करे, ये अपने आप चाइना हेल्प करता है तो हम स्टेबल हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान की खुद की चीज़ें भी तो करनी है ना। मैं वो कह रहा हूं ना, चाइना हेल्प करता है तो स्टेबल तो फिर भी नहीं हुए, बात ये है कि स्टेबल हमने खुद होना है, हमने अपनी एफर्ट करनी है, कोई किसी को स्टेबल नहीं करता, कोई मुल्क अपने मुफाद लेता है, उसके बदले में थोड़े बहुत हमें कुछ वो दे देते हैं, नवाज देते हैं, और हम कहते हैं शायद चाइना हमारा बड़ा दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के साथ आप ताल्लुकात अच्छे करो, इंडिया को फ़ायदा दो, इंडिया को इम्पोर्ट दो, एक्सपोर्ट दो, इंडिया के साथ बिजनेस करो तो इंडिया भी आपको फ़ायदा देगा, ये तो एक सिंपल सा रूल है बिजनेस का, गिव एंड टेक का। अगर हम चाइना को आज चीज़ें देना बंद कर दें, चाइना के इधर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो बंद कर दें, तो फिर हम देखते हैं कि भला चाइना हमें सपोर्ट करता है, सिंपल सी बात है भाई, गिव एंड टेक का सीन है, आप इंडिया को चीजें दो, इंडिया के साथ बिजनेस करो, इंडिया आपके साथ बिजनेस करेगा। देखिए इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है, जब तक दोनों देश के लोग अपना युगन नहीं छोड़ेंगे तब तक दोस्ती नहीं हो सकती। जब तक दोनों देशों के पॉलिटिक्स लोग इलेक्शन के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक दोस्ती नहीं हो सकती। जब तक दोनों देशों के धर्मियों के ठेकेदार जो है ना अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काना छोड़ नहीं देते तब तक दोस्ती नहीं हो सकती। जब तक जो है ना दोनों देशों के लोग जो है ना मजहब और धर्म को इंसानियत से ज्यादा जब तक समझने लगेंगे जब तक ज्यादा समझते रहेंगे तब तक दोस्ती नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बता दीजिए, और साथ ही यह वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए।